ठगी के कई तरीके आपने देखा होगा, लेकिन कोयला राजधानी धनबाद में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। आंख बंद डब्बा गायब, ये कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा। कुछ ऐसा ही हुआ धनबाद के कुछ लोगों के साथ। दरअसल प्रलोभन और लालच ने धनबाद जिले के 60 लोगों को परेशानी में डाल दिया है। ठगी का रकम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, तो सुनिए धनबाद के झरिया के 60 लोगों से 1 अरब का ठगी किया है। आरोप है कि गुजरात के वडोदरा की वैष्णवी ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्टिंग कंपनी ने ठगी किया है। कंपनी ने सभी लोगों को फाइनेंसर के माध्यम से वाहन खरीदकर चलाने का लालच दिया। इसके एवज में महीने में बंधी बंधाई रकम देने और किस्त भी चुकाने की बात कही थी। लोगों ने झांसे में आकर फाइनेंसर के जरिए धड़ाधड़ वाहन खरीद कर दे दिया। बाद में कंपनी सारे वाहनों को लेकर फरार हो गई। थाने नाम का व्यक्ति, उसने हम लोग से करीबन 9 महीना 1 साल पहले आके किसी के थ्रू, राज दत्ता हूँ और मुकेश, ये दोनों के थ्रू हम लोग से संपर्क हुआ था और बोला गया भैया अपना सिविल से आप लोग गाड़ी निकालिए और निकाल के मेरे को दीजिए। गाड़ी का जो डाउन पेमेंट है वो भी वही दिया है, EMI भी वही दिया और बोला था प्रत्येक माह 10,000 रुपया महीना देंगे। हम लोग गरीबी थे, अभी थोड़ा सा दिक्कत था कोरोना काल को लेके, इस वजह से हम लोग भी सोचे 10,000 महीना मिलेगा, गाड़ी हम लोग दे दिए। 8-9 महीना किस्ती ठीक आया, 2-3 महीना से किस्ती हम लोग सभी का बाउंस हुआ। बैंक हम लोग को बहुत परेशान तबाह कर रहा है, इसलिए हम लोग आए थाना लेकिन शिकायत देने के लिए। कितना आदमी गाड़ी दिया था? करीबन हम लोग 50 से 60 आदमी गाड़ी दिए, 200-250 से ऊपर गाड़ी। गाड़ी खरीदने गए थे आप लोग तो साथ में कंपनी ले गई थी आप लोग को? नहीं, कोई कंपनी नहीं। गाड़ी जो खरीद के कंपनी लिया है तो इसकी जानकारी आप लोग को कैसे मिली? कुछ नहीं, हम लोग तो गाड़ी अपने से रिसीविंग भी नहीं की, इसमें शोरूम वाला बैंक शोरूम मैनेजर ये सब फसक सब मिला जुली है। हम लोग अपने हाथ से लोग अभी तक अपना गाड़ी देखे भी नहीं? नहीं देखे भी नहीं, हम लोग जानते भी नहीं गाड़ी किस कलर का, हम लोग कौन सा गाड़ी है जी, S11 है, स्कॉर्पियो दिए ये मालूम है। क्या ये बैंक जो है, बैंक और जो है कि कंपनी का जो है वैष्णवी कंपनी, उस सारे लोग इसमें मिली भगत है? क्या मिली भगत है इसमें? बैंक तक मिली भगत है, शोरूम तक मिली भगत है मेरे को। तो आप ही बताइए सबसे पहले, आगा का रहने वाला, हमारे साथ गाड़ी का एक स्कैम हो चुका है। हम सभी लोगों के साथ एक कंपनी आई थी वैष्णवी नाम की, जिसका माध्यम राज दत्ता और मुकेश साव था, उन लोगों के कहने पे हम लोगों ने ये गाड़ी निकाल करके दिया। और बैंक का भी इस पर कुछ मिली भगत हुई है, जो कि हम लोगों ने अपना जो गाड़ी दिया पेपर तो हमारे नाम से है, बट ना हम लोगों ने कभी गाड़ी देखा है और ना ही गाड़ी हम लोगों ने रिसीव किया है। और गाड़ी निकलवाने के एवज में बैंक वाला 5,000 रुपया और 25,000 रुपये अलग से कमीशन के तौर पे वो लोग लिए हैं हम लोग से सभी गाड़ी पर। आप लोग डॉक्यूमेंट कैसे बैंक में दिया? बैंक मेरा शॉप है, मैं अपने शॉप पे बैठा था, तो ये राजदत्ता और मुकेश आए और बोले कि कुछ है ट्रांसपोर्ट का काम आया हुआ है कंपनी का, तो अगर आप लोग ये करना चाहते तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो उनका प्रपोजल मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा, तो मैं वो एक्सेप्ट करके मैंने अपना एक गाड़ी निकालने का उनको ऑथराइजेशन दिया। गाड़ी देने के एवज में कितना पैसा बोला था देने के? गाड़ी देने के एवज में वो वन टाइम आपका 35,000 रुपया बोला था, जिसमें 25,000 रुपया दिया और 10,000 रुपया महीने करके और प्लस EMI वो कंपनी भरने की बात करी थी। EMI कंपनी भर रही थी जी? क्या महीना से EMI ने भरा है? EMI लगभग मेरा 7 महीना हो चुका है गाड़ी लिए हुए, और पिछले 3-4 महीने से EMI नहीं दे रही है। आजकल करके वो अपना गाड़ी आप लोग देखे भी नहीं? नहीं, गाड़ी हम लोग देखे भी नहीं है। और शोरूम से अगर कोई भी पेपर वगैरह डिमांड किया जाता है, बोलता है वो पेपर चला गया है, और जिस ट्रांसपोर्ट में आप लोग दिए हैं वहाँ से आप पेपर मांगे। कितना? इसमें जो लोकल आदमी है जो आपके पास आए थे, कम से कम 100 करोड़ रुपए की है पूरे जिले में, धनबाद जिले में। ये लोकल आदमी कौन है? लोकल आदमी राज दत्ता और मुकेश साहब। मुकेश साहब कहाँ के रहने वाले? मुकेश साहब भौरा के रहने वाले। अच्छा, राज दत्ता? राज दत्ता नुनडी मोहन बाजार। तो आप लोग क्या राज दत्ता से कुछ बात नहीं करिए? राज दत्ता भी, उनसे भी बात हुई है, वो भी आश्वासन दे रहे कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। FIR किनके खिलाफ किया? FIR राज दत्ता, मुकेश साव, तरुण नथानी और उनके वाइफ के ऊपर। ये तरुण नथानी कहाँ का है? तरुण नथानी गुजरात के। कंपनी कौन सी है? वैष्णवी ट्रांसपोर्ट। कहाँ की है? गुजरात। क्या नाम हुआ? पहले हम लोग को बोला गया था गाड़ी आपका लोकल में ही चलेगा, और फिर उसके 2-3 महीने के बाद पता चल रहा, जब एग्रीमेंट वगैरह हम लोग से डिमांड किया गया, एग्रीमेंट दीजिए और गाड़ी किस काम में चला रहे हैं, तो उन्होंने फिर पैन मोटोल कर। कौन सा बैंक से फाइनेंस है आपकी? यस बैंक, महिंद्रा, ये टोयोटा फाइनेंस, यस बैंक और यूनियन बैंक, सभी का। तीन गाड़ी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवित्र कुमार घोष। ठीक।